हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप डिस्पोजल ग्लास से पेन होल्डर कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक डिस्पोजल ग्लास, एक शादी का कार्ड जिसका पिछला हिस्सा मैं इस्तेमाल करूँगी। कार्ड का पिछला साइड बहुत ही हार्ड है और मैं पेन स्टैंड बनाने के लिए इसका ही इस्तेमाल करूंगी। और ये गणेश जी का छोटा सा स्टिकर, इसे भी मैंने शादी के कार्ड से ही निकाल के रखा हुआ है। इसके बाद मैंने ग्लू गन लिया और ग्लू को ग्लास पर राउंड शेप में लगा दिया। ग्लास पर ग्लू गन लगाने के बाद मैंने एक लेस लिया और ग्लास पर राउंड शेप में लेस को लगा दिया। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप प्रिंटेड पेपर या फिर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लू गन से मैंने लेस को ग्लास के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ग्लास पर मैंने लेस को अच्छी तरह से लगा दिया। इसके बाद मैंने गणेश जी के स्टिकर को कार्ड के बीचों बीच चिपका दिया। अब मैंने दोनों ग्लास को भी ग्लू गन की हेल्प से कार्ड के ऊपर अच्छी तरह से चिपका दिया। इसके बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से कार्ड के चारों तरफ लेस को लगा दिया और ऊपर की तरफ हैंग करने के लिए मैंने एक छोटा सा लेस लगा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयार है एक शानदार पेन होल्डर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।